कन्या राशि के जातकों, आपकी कुंडली के प्रथम भाव में केतु भ्रमण कर रहे हैं। केतु की यह जो अवस्था है वो आपके जीवन में अभी तक अशुभ प्रभाव को बढ़ाने वाली थी, लेकिन आज से और अभी से इस वीडियो को देखने के बाद यह मान लो केतु देव जितनी आपको तकलीफ देनी थी दे चुके। अब केतु की इतनी बड़ी कृपा आपको प्राप्त होने जा रही है, गुरु, शनि, राहु और अब केतु, ये चार ऐसे बड़े ग्रह हैं जो बड़े लंबे समय तक आपको शुभ या अशुभ प्रभाव देते हैं। कन्या राशि के जातकों, यह चारों ग्रह जीवन में अचानक परिवर्तन, अचानक बदलाव, अचानक खुशियां और अचानक दुख देने के लिए सक्षम होते हैं। जो केतु आपको अभी तक तकलीफ पे तकलीफ देता चला जा रहा था, बीमारी देता चला जा रहा था, रोगी बना रखा था, हॉस्पिटलाइज कर रखा था, चिकित्सीय खर्च आपका बढ़ा रखा था, परिवार में विघटन डाल के रखा था, क्योंकि केतु अगर अशुभ प्रभाव में है तो सबसे पहले व्यक्ति नास्तिक बन जाता है, भगवान को मानना ही छोड़ देता है, दान पुण्य की उसकी आत्मा ही नहीं होती, साधु संतों का अपमान करने लगता है और खुद को श्रेष्ठ समझने लगता है। केतु के ये अशुभ प्रभाव होते हैं और इन्हीं अशुभ प्रभाव के कारण बीच में जब आप बहुत परेशान थे तो कुछ समय के लिए, अभी दो चार महीने की बात बता रहे हैं, अक्टूबर से लेकर अभी तक की इस वीडियो को जब तक आप देख रहे हैं, कि पहले क्या, आज से पांच महीने पहले, चार महीने पहले आपके दरबार में कोई आ जाता था कन्या राशि के जातकों, तो आप कभी उसको खाली हाथ नहीं लौटने देते थे। जो बन पड़ता था आपके पास, अगर एक रोटी है तो आधी उसे जरूर बांट के खिलाते थे। लेकिन इन चार महीनों में केतु के अशुभ प्रभाव के कारण आपके अंदर ऐसी भावनाएं आ गई थी कि आप अपने आप मांगने वाले को भी खाली हाथ लौटा देते थे। क्यों? क्योंकि आप इतने कष्ट में खुद थे, इतनी तकलीफ में खुद थे, आप खुद ऊपर वाले से मदद की गुहार लगा रहे थे और खुद जो है कहाँ से लोगों की मदद कर सकें, ऐसी स्थितियां थी आपकी। लेकिन केतु जब शुभ प्रभाव में आता है तो ध्यान रखें, केतु नौ ग्रहों में एक ऐसा ग्रह है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। केतु छाया ग्रह है राहु और केतु, जहां राहु पकड़ना सिखाता है। राहु का तात्पर्य क्या है? पकड़ना। और केतु आपको हर चीज छोड़ना सिखाता है, और केतु का स्वभाव होता है हर चीज को त्यागना, हर चीज से छुटकारा दिलाना आपको। और आज वो स्थिति आ चुकी है कि केतु आपको करने वाला है मालामाल। तीन ग्रह आपके पहले से ही शुभ में थे और आज केतु भी आपके फेवर में आ गया, यानी कि आपके किस्मत के सितारे बुलंदियों पर हैं। कैसे इसका लाभ उठाएं इसी वीडियो में बताएंगे, क्या उपाय करें इसी वीडियो में बताएंगे। साथियों, केतु सुरंग है, केतु रहस्य है जिसे समझना बहुत मुश्किल काम होता है। और केतु अगर आपके ऊपर प्रसन्न है तो यह मानकर चलो जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि यह होती है कि आपको डायरेक्ट ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि केतु जब शुभ प्रभाव में आता है तो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बरसाता है, आपके इष्ट देव की कृपा बरसाता है। केतु शुभ हो तो अपने आप शरीर में अंतर्ज्ञान पैदा हो जाता है,
आपकी सोचने और समझने की जो बुद्धि और शक्ति है वो प्रबल हो जाती है। आप एक सेकंड में किसके मन में क्या चल रहा है जान सकते हैं। इसीलिए जिनका केतु बलवान होता है वो अंतर्ज्ञानी होते हैं, जिनका केतु बलवान होता है वो ऐसा समझ लो बहुत अच्छे इंजीनियर होते हैं, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर ऐसे माइंडेड लोग होते हैं केतु जिसका अच्छा है। और अब कन्या राशि का केतु, जो भी व्यक्ति कन्या राशि का है और जो उसके पास दक्षता है, जो दक्षता का मतलब जो आप करते हैं उसमें आपको सफलता प्रदान कराएगा। क्यों? क्योंकि प्रथम भाव में बैठा हुआ केतु जिस पर पांचवी दृष्टि गुरु की पड़ रही है और पंचम दृष्टि गुरु की जब केतु पर पड़ती है तो यह मान के चलो सूर्य और चंद्र ऐसे ग्रह हैं जिनके विपरीत केतु चलता है और स्थिरता देता है और बुध से साझा जो आपके राशि के स्वामी है कन्या राशि के जातकों उनके साथ साझा मतलब पार्टनरशिप करके आपको लाभ दिलाता है। तो पांचवी दृष्टि गुरु की जैसे ही आपके लग्न भाव पे जहां पर केतु देव विराजमान है आपकी खुद की राशि कन्या राशि में सबसे ज्यादा शुभ संकेत है आपके लिए। और केतु का एक छोटा सा आसान सा उपाय बताने जा रहे हैं, जरूर करें और फिर देखें इन बीचों में आप जो सोच लेंगे वो होना शुरू हो जाएगा, जो चाहेंगे वो कर डालेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हो, प्रतियोगिता के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, सब में कन्या राशि के जातकों आपको केतु सफलता दिलाएंगे। नौकरी के, विवाह के, संतान के और स्वास्थ्य के भी योग बनाएंगे क्योंकि केतु अब आपको शुभ फल देने के लिए तैयार हैं। अभी तक केतु अशुभ फल दे रहे थे, अब आपको केतु शुभ फल प्रदान करना शुरू करेंगे। एक छोटा सा उपाय है, जरूर कर लें कन्या राशि के जातकों, जीवन में कभी कोई ऐसे हाथ नहीं पकड़ पाएगा, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, जहां पर भी आप चल देंगे मंजिल आसानी से आप प्राप्त कर सकेंगे। करना क्या है? पहला, साधु संतों का अपमान बिल्कुल बंद कर दें। आप किसी को दान दें या ना दें लेकिन उसका अपमान बिल्कुल मत करें, हंसी मत उड़ाएं। तीसरा, मछलियों को छोटी छोटी आटे की गोली बनाकर रोज डाल पाए तो ठीक, नहीं तो बुधवार के दिन जरूर डालें। इस वीडियो को देखने के बाद जो भी बुधवार आए और लगातार 14 मई 2025 तक डालें, तारीख लिख लें, अभी जो बुधवार आए वो तब से शुरू करें और 14 मई 2025 तक जो भी बुधवार आए आटे की छोटी छोटी 108 गोलियां बनाएं और किसी तालाब में, नदी में जहां मछलियां हो वहां छोड़ाएं। इतना शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा कन्या राशि के जातकों कि आप कल्पना नहीं कर सकते। यह छोटा सा उपाय आपको रंक से राजा बनाएगा, यह छोटा सा उपाय आपको गरीब से अमीर बनाएगा, ये छोटा सा उपाय बहुत बड़ी सफलताएं आपको दिलाएगा हर क्षेत्र में। और आखिरी उपाय, कन्या राशि है, कोई भी लग्न में आपका जन्म होने दो लेकिन अगर आपकी राशि कन्या है तो हरे मूंग की दाल एक मुट्ठी लें, हर वीडियो में बताता हूं, अपने सिर से ऐसे उतार कर और घर के बाहर फेंक दें, छत पर मत फेंकें नहीं तो राहु दोष लग जाता है, रास्ते में फेंकें या खिड़की से अपने आंगन में फेंक दें तो भी चलेगा लेकिन छत पर नहीं फेंकना है। और फिर से बोलता हूँ, कन्या राशि है, भाग्य उदय चाहते हो, नसीब चमकाना चाहते हो, भाग्य जगाना चाहते हो और सब कुछ पाना चाहते हो तो एक चार मुखी रुद्राक्ष जरूर गले में अपने धारण कर लें और फिर देखें जीवन में
कोई आपका हाथ नहीं पकड़ पाएगा, सफलताएं खुद चलकर आपके दरवाजे तक आएंगी, राजाओं जैसी जिंदगी जैसे आज से 2012, 13, 14 में थी आपकी, ये गोल्डन पीरियड चालू है, ये मौका चूक गए, कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको मालूम है जैसे गवर्नमेंट बहुत योजनाएं लाती है, आप आवेदन नहीं करेंगे तो उसका लाभ नहीं, वैसे ही जब योग आते हैं तो आप उपाय नहीं करेंगे उसके लाभ के लिए, तो बस ऐसे करके बैठे रहें, कोई फायदा नहीं। और फिर कमेंट कुछ लोग ऐसे करने लगते हैं, गुरुजी इतना समय हो गया अभी तक कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है। अरे अच्छे होने के लिए आप कुछ उपाय तो करो, कुछ आस्था तो बनाओ, लाभ होगा। पत्थर के भगवान होते हैं लेकिन आस्था के साथ जब आप हाथ जोड़ते हैं और अपनी मनोकामना बोलते हैं हाथ जोड़कर और ऐसे सर झुकाते हैं, ईश्वर आपका झुका हुआ सर ऊपर उठाता है और जीवन में आपको कामयाब करता है। कुछ करें, बारिश हुई है, किसानों को बीज का रोपण करना ही पड़ेगा तभी तो फसल तैयार होगी। अब बारिश हो रही है आप बीज बोएंगे नहीं और सोचेंगे फसल तैयार हो जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही अच्छे योग आए हैं तो उन ग्रहों को आप अपने फेवर में कैसे करें, उन ग्रहों से लाभ कैसे लें, बहुत जरूरी है। और वही ये उपाय हैं, करें और लाभ लें। एक चार मुखी रुद्राक्ष, हरे मूंग की दाल उतार के बिना गिने फेंकना है, और केतु को प्रसन्न रखने के लिए गेहूं की छोटी छोटी गोलियां 108 बनाकर बुधवार के दिन नदी में कहीं छोड़ आना है। इतना सा उपाय करें, मजा आ जाएगा साहब, मजा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।